हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भक्तों, आज हम भगवद गीता के पहले अध्याय के तीसरे श्लोक के विषय में बात करेंगे। भगवद गीता का पहले अध्याय का तीसरा श्लोक है, पाश्चायताम पांडुपुत्राणाम आचार्या महातिम चमुम वियुक्ताम द्रौपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमताः। ट्रांसलेशन बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति विदान स्वामी श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की जय। ओ माय टीचर, बिहोल्ड द ग्रेट आर्मीज ऑफ द सन ऑफ पांडु, सो एक्सपर्टली अरेंज बाय योर इंटेलिजेंट डिसाइपल द सन ऑफ द्रौपद। हे आचार्य, पांडु पुत्रों के विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रौपद के पुत्र ने इतना कौशल से व्यवस्थित किया है। तो इस श्लोक के अंदर अगर आप देखिए, द्रोणाचार्य पांडव तथा गौरवों के भी गुरु थे। उन्होंने उनको टीच किया था, एजुकेशन दिया था, मिलिट्री एजुकेशन दी थी और मटेरियल एजुकेशन, स्पिरिचुअल एजुकेशन सब उन्होंने द्रोणाचार्य ने दी थी। तो द्रोणाचार्य उस समय पांडवों के हित में ना रह के कौरवों की तरफ लगे, यानी कि दुर्योधन के हित में रहे, जिसके पिताजी थे धृतराष्ट्र, जो कि आंखों से तो अंधा था और आध्यात्मिकता से भी अंधा था। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि दुर्योधन का प्रॉब्लम क्या है। वो अपने गुरु को इंस्ट्रक्शन दे रहा है, अपने गुरु को आदेश दे रहा है कि गुरुजी ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम आध्यात्मिकता में आते हैं तो भगवान ने भी अर्जुन को भगवदगीता सुनाई। तो अर्जुन को भगवदगीता सुनाते वक्त क्या कहा, अर्जुन को यही कहा कि अर्जुन शिष्यस्ते हम शादीमाम तम प्रपणम। ये अर्जुन ने कहा भगवान भगवदगीता में, क्या कि शिष्यस्ते हम शादीमाम प्रपणम का मतलब है कि मैं आपको अभी प्रपणम, हमको सरेंडर हो रहा हूँ भगवान आपको, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए कि नहीं। अब यहाँ हो रहा है उल्टा, दुर्योधन शिष्यस्ते हम शादीमाम तम प्रपणम ना करके अपने गुरु को इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए। तो आध्यात्मिकता में जो भी व्यक्ति भगवान की भक्ति सीखना चाहता है तो सबसे पहला उसके अंदर लक्षण होना चाहिए विनम्रता। जैसे कि हमारे टीचर हैं स्कूल में, अगर कोई इक्वेशन या कोई चीज़ फॉर्मूला समझ में नहीं आता तो हम टीचर को इंस्ट्रक्शन नहीं देते, बल्कि विनम्रता पूर्वक पूछते हैं कि मेरे टीचर, मेरे गुरुजी मुझे बताइए कि आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, आई कुड नॉट सॉल्व एंड इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप कृपया करके मुझे दोबारा से समझा। तो विनम्रता के माध्यम से हम सीखते हैं और अभिमान के आगे हमारे गुरु को ही हम सिखाते हैं। तो ये दो दृष्टांत हमको इस श्लोक में नजर आते हैं। और दूसरी जो बात इसमें कही, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य, अब देखिए शिष्य जो था द्रोणाचार्य गुरुजी थे, दोनों के थे, कौरव के भी थे पांडव के थे, लेकिन यहाँ पर उनको पॉइंट आउट करें कि आपके शिष्य द्रौपद के पुत्र, हालांकि वो कजन थे, देवर कजन ब्रदर, लेकिन उन्होंने कह रहा है कि नहीं, आपके बुद्धिमान, बुद्धिमान कौन होता है, जो भगवान का भक्त होता है। भगवान ने भक्ति योग को बुद्धि योग कहा है भगवदगीता में, जो कृष्ण भजे सही चतुर होया, जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। क्यों? कि वो ऐसी सोच के विचार के साथ अपने जीवन को धारण करते हैं जो भगवत गीता की शिक्षा है, कि जन्म मरण के चक्रों से कैसे छुटकारा हो। अभी लोग प्लान करते हैं कि इस संसार में हम जी रहे हैं, हमें एजुकेशन ले लिए, बिजनेस करेंगे, डॉक्टर्स इंजीनियर बनेंगे, एक प्लान बनाते हैं कि एक घर लूंगा या एक विला लूंगा, गाड़ी लूंगा, बच्चे पैदा करने हैं, शादी करनी, और ये उनका एक पूरा प्लान होता है। उसके लिए पूरी लाइफ लोग स्ट्रगल करते हैं उसको प्राप्त करने के, चाहे वो एक मजदूर हो या बिल गेट हो। बड़े से बड़ा आदमी और छोटे से छोटा आदमी क्या कर रहा है, इस पूरे संसार में स्ट्रगल कर रहा है कि मैं और एक कदम आगे जाऊं, और एक कदम आगे जाऊं, और एक कदम जाऊं। लेकिन मनुष्य देह प्राप्त होने के बाद वो व्यक्ति क्या करता है, भगवान और भक्ति की तरफ ना सोचते हुए अपनी सारी बुद्धि को किसमें लगता है, भौतिक संसार के शिष्य में। लेकिन यहाँ जो बुद्धिमान बताया गया, बुद्धिमान शिष्य का मतलब क्या है, कि वो व्यक्ति जो कि जन्म मरण के चक्रों से बाहर आना चाहता है, यानी कि जन्म से पहले मेरा क्या था और मृत्यु के बाद मेरी क्या होगी, यानी कि भगवान श्री कृष्ण के प्लान के हिसाब से एक बड़ा प्लान को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करना, यही भगवत गीता है। जो भक्त होते हैं वो कोई साधारण नहीं होते, वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, वो एक ऐसे प्लान की तैयारी कर रहे हैं जो कि मृत्यु के बाद होने वाली है। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य देते हैं कि एक अमीर घर में गए प्रभुपाद जी, वहां पर उनका प्रसाद रखा था, एक कीर्तन रखा था। तो वो व्यक्ति ने कहा कि प्रभुपाद जी मेरे रियल एस्टेट बिजनेस है, मेरा ये है, मेरा वो है, मेरा यहाँ इंटरप्राइज लेवल का बिजनेस है, मेरी इतनी प्रॉपर्टी है, मेरी होटल्स है, ये है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि आप मुझे एक सुई ला के दे सकते हो। वो जो धनी व्यक्ति था तो बस इतने दे दिया,
कि सुई की क्यों बात कर रहे हो। प्रभुपाद जी ने उनको कहा सुई ला के दीजिए। उन्होंने ला के दी, प्रभुपाद जी को हाथ में दिया। प्रभुपाद जी ने कहा कि क्या ये सुई तुम मुझे अगले जन्म में दोबारा दे सकते हो। तो व्यक्ति चौंकित हो गया, परेशान हो गया कि ये कैसी बात करें। प्रभुपाद जी ने कहा कि एक छोटी सी सुई आप मुझे नेक्स्ट बर्थ में अगले जन्म में नहीं दे सकते हो, तो ये इतनी सारी प्रॉपर्टी और संपत्ति की आप जो बात कर रहे हो वो कहाँ लेके जाओ, वो तो आपके साथ जाएगी नहीं। ये भगवान के ही वस्तु है जिनके ऊपर आपने अपना अधिकार बना के और ये कहा कि मेरा। तो आध्यात्मिकता की जब बात करते हैं तो बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है। और भक्त का हमने कल भी आपको मतलब बताया था, भक्त क्या होता है, जो भय से मुक्त हो उसे भक्त कहते हैं। अब यहाँ आप देखिए द्रोणाचार्य को ही शिक्षा दे रहे हैं उनके शिष्य। दुर्योधन जो है वो इतनी ज्यादा अभिमान और अहंकार में आ गया है कि अपने गुरु को ही उल्टा इंस्ट्रक्शन दे रहा था। तो द्रोणाचार्य के साथ क्या था, कुछ पॉलिटिकल क्वेरल, कुछ झगड़ा था पॉलिटिकल लेवल पे द्रौपदी के साथ। और द्रौपदी कौन थे, द्रौपदी जो थे वो द्रौपदी के पुत्र थे जो के अर्जुन की पत्नी थी। तो द्रौपदी ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था और इस झड़ाई जो के गुरु द्रोणाचार्य के साथ इनकी द्रौपदी की जो लड़ाई थी उसको समाप्त करने के लिए उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया और उस पुत्र का नाम था धृष्टद्युम्न। जो कि द्रौपदी का पुत्र था, धृष्टद्युम्न के पास ऐसी शक्ति थी कि वो द्रोणाचार्य को मार सकता था। अब यहाँ पर जो कौरव है, दुर्योधन है, वो आते हैं द्रोणाचार्य के पास, उनको कहते हैं कि देखिए पांडव सेना के अंदर द्रौपदी का पुत्र धृष्टद्युम्न भी है जो कि आपको मार सकता है। और अपने गुरु को कह रहे हैं, गुरु को पता है उनको कि क्या हो सकता है क्या नहीं, तो उसके बावजूद वो क्या कर रहे हैं, उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि ऐसा नहीं वैसा होना। और एक और वर्ड उन्होंने कहा बुद्धिमान शिष्य, यानी कि उन्होंने मान लिया था कि जो पांडव है वो धर्म के ऊपर है, बुद्धि योग को इस्तेमाल करते हुए अपने जीवन को चला रहे और वो भगवान के भक्त है, यानी कि धर्म क्षेत्र में वो चिंतित है कि धर्म पे चलने वालों की जीत होगी, सत्य में विजय, सत्य में ही जीत होती है और झूठे जो व्यक्ति होते हैं उनकी हमेशा हार होती है। तो द्रौपदी के पुत्र थे दुर्योधन ने उनको द्रोणाचार्य को अपनी मिस्टेक बताई। होता यूं है कि गुरु शिष्य को मिस्टेक्स बताता है और उसको सीधा करता है। इसी प्रकार से भौतिक संसार में भी आपका जो बच्चा 2 साल का है, आपका जो सेकंड क्लास में जाता है सेकंड स्टैंडर्ड में, वो भी बगैर गुरु के एजुकेशन नहीं ले सकता। आप अपने बच्चे को छोड़ दीजिए सेकंड क्लास या फिफ्थ क्लास में, जो भी स्टैंडर्ड है, बगैर गुरु के बोलिए कि आप पढ़िए, बच्चा भी नहीं पढ़ सकता। तो कैसे मुमकिन है हम आध्यात्मिकता में जब हम भक्ति करते हैं कि हमें गुरु की आवश्यकता ना हो। गुरु जो होता है त्रिकाल दृष्टि होता है, भौतिक संसार के 3 गुणों से उठा हुआ होता है। गुरु क्या करता है, शिष्य को डायरेक्शन देता है कि ये आपका प्लान है। जैसे कि अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में एक प्लान बताया कि आपको ऐसे कार्य करना है, इसी प्रकार से गुरु क्या करता है, शिष्य को डायरेक्शन देता है, क्योंकि वो 3 गुणों से उठा हुआ होता है। भौतिक संसार के, आदि संसार के जो 3 गुण है, सतो रजो तपो, उसे उठा होता है। गुरु हमें इंस्ट्रक्शन देता है कि आप यहां गलत हैं, यहां सही है, आपको ये चीज करनी चाहिए। तो आध्यात्मिकता हो या भौतिकता हो, दोनों में हमें गुरु की आवश्यकता है। और गुरु के सामने के बाद अपने आप को एकदम बेवकूफ समझना चाहिए। जैसे महाप्रभु ने भी अपने गुरु के विषय में क्या कहा, गुरु मोर जानियो कि मेरे गुरु ने मुझे कहा मैं बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ, मुझे सिर्फ यही कहा है कि आप हरे कृष्ण महामंत्र पढ़ो। अपने आप को गुरु के सामने एकदम बेवकूफ समझ के जाना चाहिए। तो पांडव जो थे वो द्रोणाचार्य से अफेक्शनेट थे। क्यों, द्रोणाचार्य कौरवों के भी गुरु थे और पांडवों के भी गुरु थे, और दुर्योधन था वो उनको वार्न कर रहा था कि देखिए आप हमारी तरफ हैं, आप पांडवों की तरफ नहीं है, आप कौरवों की तरफ से, कौरवों की तरफ से आपको लड़ना है, आपके हृदय में कोई ऐसी बात नहीं आनी चाहिए जिसकी वजह से हम ये जंग हार जाए। तो ये एक पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट थी दुर्योधन की, और दुर्योधन इस जंग को जीतना चाहता था। वो बहुत चिंतित था, उनका पिताजी जो थे धृतराष्ट्र वहां पर बैठ के संजय उनको बता रहे थे, वो वहां से चिंतित। तो अगर आप भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे तो आप सारे भक्तों से भय से मुक्त हो। भगवान की भक्ति के अंदर ऐसा विश्वास भगवान के भक्तों में आ जाता है कि इन सारी दुनिया की चिंताओं में रह के भी वो भगवान का चिंतन करके बड़े से बड़ी मुश्किलों को लांग देते हैं। और जो संसारी जीवन के लोग हैं वो स्ट्रगल कर करके अंत समय तक वो क्या करते हैं, स्ट्रगल करके संसार की मुश्किलों को दूर करने के प्रयास करते हैं, लेकिन अंत में उसे कुछ नहीं मिलता है, केवल नर्क और यमराज। अभी अपनी क्लास का विराम करेंगे, आशा करते हैं कल आपसे फिर मुलाकात होगी। भगवद गीता के 1 अध्याय के 4 श्लोक पर बात करेंगे। आप ये जो भगवत संदेश है अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव को आगे फॉरवर्ड करें। सब दानों में सबसे उत्तम दान है विद्या दान,
और विद्यादान के माध्यम से आप उनके जीवन को भगवत गीता में, उनके जीवन में भगवत गीता को ला सकते हैं। तो एक समय आएगा हम पूरी भगवत गीता खत्म कर पाएंगे इस प्रयास से। तो आपको अगर कोई क्यूरी है, क्वेश्चन है, प्लीज सेंड अस द व्हाट्सएप ऑन 0097155664658। हरे कृष्णा। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल।